ये है मार्केट एरिया जहाँ से आप शर्ट लोअर जेंट्स के लिए लेडीज के लिए ले सकते हो, बैग वगैरह भी है। और इधर में एक संख की दुकान है सामने। वाह यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं कन्याकुमारी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे हूँ। वाह, अभी मंदिर वंदिर का तो पता नहीं कौन सा किधर में है, तो बस देख रहे हैं भाई अभी, क्योंकि नींद इतनी भरी पड़ी आँखों में, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये चारों तरफ का नज़ारा। कन्याकुमारी में आज के दिन की शुरुआत खाने से कर रहे हैं भाई। इडली, ना डोसा ना पराठा। ये इडली देख रोड पे ही मिल रही है। சாமி வாங்க ஆறு இட்லி முப்பது ரூபா पाँच रुपए की एक इडली है तो छह पीस दे रहे हैं एक प्लेट में 30 रुपए। तो अभी बोलते हैं कन्याकुमारी को बाय बाय। और ये है कन्याकुमारी का एंट्री गेट, वेलकम टू कन्याकुमारी। जहाँ से आप सनराइज देखोगे ना, वहाँ पर कन्याकुमारी का एक टेंपल भी है, तो हमें बाद में पता चला, नहीं तो हम ज़रूर जाते और दर्शन करके आते। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर विजिट करके जाना कन्याकुमारी टेम्पल पे। पापी वेलकम टू कन्याकुमारी। यार ब्रेक नहीं लग रहे, तो मैं अभी कर देता हूँ। मेरा बल शंकर भगवान की जय। जय हरियाणा, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कन्याकुमारी से जाते जाते कुछ सब्सक्राइबर लेके जाएंगे, तो भाई सब्सक्राइब कर रहा है, इडली खा रहा है। देखो आप वेर यू फ्रॉम? यहीं पे टेम्पल है जो कन्याकुमारी माता जी है ना, तो उनका टेम्पल है, तो हमने नहीं देखा, या देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। वाह, थैंक यू ब्रदर। कन्याकुमारी की मेन गली। अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा दुकानें भी ओपन नहीं है, तो धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। चाय वाय की तो जल्दी ओपन हो जाती है, क्योंकि जिनको सनराइज़ देखना होता है ना, वो बहुत जल्दी निकल आते अपने होटल से या कमरों से। बाकी इधर में बहुत सारे होटल है, लॉज है, हॉल भी है। एक होता है ना कि पूरे ग्रुप आ रखे हैं 20 लोगों के 25 लोगों के, तो उनके लिए हॉल भी अवेलेबल है। वाह यार, कन्याकुमारी में घूम रहा हूँ मैं भी अपनी साइकिल से, क्योंकि यही मेरी टार्जन यार, जो मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके आई है, इसने बहुत साथ दिया। वाह, अभी स्टेशन का नहीं पता, लोग सर चेक नहीं किया कि स्टेशन कितना दूर है, कैसे क्या है, क्योंकि पहले वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर लिखा ना वेलकम टू कन्याकुमारी, फिर फोटो क्लिक नहीं हुआ था उस टाइम अंधेरा था, तो अब फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे पहले वहाँ जाके, उसके बाद देखेंगे क्या करना। मेरे भैया, यहाँ के लोग बोलते हैं कश्मीर नहीं काश्मीर, तो कन्याकुमारी। तो यहाँ की लैंग्वेज जो हिंदी में बोलते हैं ना लोग, बहुत मस्त लगते हैं यार, क्योंकि तो उनकी टोन थोड़ी यहीं के लोकल लोग वाली वो होती है ना आवाज़, साउथ इंडियन मिक्स हिंदी में। और सामने क्या बिल्डिंग बना रहे आ रही है। तो पहले एक बार स्टेशन की तरफ चला जाए, क्योंकि फ़ोटो कॉपी भी करानी है आधार कार्ड की, और स्टेशन भी देख लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो फिर थोड़ा घूम भी लेंगे। दो किलोमीटर दिखा रहा है यार यहाँ से, तो
अभी स्टेशन ढूंढ ही रहे यार, चारों तरफ से घूम के आ गए लेकिन स्टेशन का रास्ता नहीं मिला। एक जगह से मिला तो वहाँ पटरी आ गई रास्ते में, अभी ढूंढ रहे हैं रास्ता किधर जाएं। डाउन मस्त है, अभी फिर वहीं आगे जहाँ सुबह आए थे हम। यार किसी लोकल बंदे से पूछते हैं फिर देखते रास्ता। सामने है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन और इसको ढूंढने के लिए यार हम उधर ऐसे गलियों में से गए, उधर मेन रोड मेन हाईवे पे पहुंचे और फिर इसके पीछे से घूम के फिर इधर आए, और ये जो कि मेन रोड से तकरीबन 200 से 300 मीटर पे है। वाह बाकी ठीक है, सुनसान है, बस यार हमारी टिकट कन्फर्म हो जाए ना तो दिक्कत हो जानी। अभी स्टेशन के अंदर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी जो टिकट है वो कंफर्म होगी, क्योंकि अभी भी 21 वो कह दे वेटिंग लिस्ट में आ रखे। बाकी जो आपकी टिकट की टाइमिंग होती है, जो ट्रेन टाइमिंग होती है, उससे 2-3 घंटे पहले चार्ट आता है ऐसा बताया हमें। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ट्रेन वगैरह का सिस्टम क्या है। ट्रेन चेक कर लेता हूँ कि किस लोकेशन तक चेक करनी है वो कर लेता हूँ, पर बुकिंग का सिस्टम अपनी समझ से बाहर है। बाकी देखते हैं क्या रहता है भाई, अभी बैठे थोड़ी देर चार्जिंग वार्जिंग लगा रहे हैं आराम से, तो 2-3 घंटे पहले चेक करेंगे, अगर कंफर्म हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर कुछ भी आइडिया नहीं कि भाई क्या है। बाकी ट्रिप अपना बढ़िया रहा एकदम, और ऐसे ही रहे यार, इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं मेहनत का फल। लेकिन ठीक है, अब कुछ नहीं कह सकते कि भाई कब क्या हो जाए, पर लगे रहो मेहनत के पीछे, लगे रहो हाथ धोगे, कभी ना कभी तो लोगों को तुम्हारी मेहनत की कदर होगी, तो वही चीज़ है। बाकी अभी इधर में वो दो महाराज, मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि उसके लिए भी टिकट लेनी पड़ती है आपको, प्लेटफॉर्म टिकट, तो वो कम कहीं क्यों लेनी। अपना वेटिंग एरिया में इधर ही बैठे हैं जहाँ पे टिकट काउंटर सामने, इधर ही बैठ कर इधर ही देख रहे हैं। अजीब व गरीब है यार ये स्टेशन कसम से, अभी ये पूरा स्टेशन उधर में खाली देखो, पूरा धूप ही धूप। तो टिकट कंफर्म हो गया और अब साइकिल से सारा सामान उतार के पैक वैक करेंगे, पूरा साइकिल खाली की, और जो बोर्ड थे ना दोनों वो मैंने इसी जाली पे बांध दिए बढ़िया तरीके से। तो कहाँ जा रही है यार टाजन, अभी ये माउंट रोको लेता हूँ क्योंकि यार कहीं गिर गया टूट गया वो सो बात है, नुकसान हो जाएगा। बाकी अपने ये टाजन से साथ दिया हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी से राइड, वाओ ये लीवर है पंचर ने वो पैर खोलने के लिए। तो फिलहाल पैक वैक कर लेते, बाकी आपको वीडियो आगे जो आप हमारी जर्नी रहेगी कन्याकुमारी से दिल्ली की वो देखने को मिलेगी कैसी रहने वाली है, बोर क्या ठीक ठाक। तो चल पड़े अपना बोरिया बिस्तर उठा के कन्याकुमारी से अपने घर की ओर। भाई साहब अब लग रहा कि हाँ कितना वेट हमारी साइकिल लेके जा रही है ना, एक हमारा वेट और एक हमारे सामान का वेट, दोनों ऐसे कर रहे हैं। झोला उठा के चल दे, ठीक है जी। अब आपको इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हमारी जो ट्रेन की जर्नी है कन्याकुमारी से दिल्ली तक की वो देखने को मिलेगी, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, जय बोलेगी।